और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर का। तो बीकानेर से राज्य के लिए बड़ी खबर है, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी का बयान आया है और राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं स्थगित की गई है। कोरोना की दूसरी लहर के चलते ये फैसला लिया गया है और मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार महाविश्वविद्यालयों की परीक्षाएं स्थगित की गई है। राज्य के सरकारी निजी विश्वविद्यालयों पर यह आदेश लागू होगा। और आपको बता दें कि विद्यार्थियों, अभिभावकों और प्रधानाध्यापकों के स्वास्थ्य के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीकानेर से राज्य के लिए बड़ी खबर है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बयान जारी किया है और उसके आधार पर राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं जो है वो स्थगित कर दी गई है। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि राज्य के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों पर ये नियम लागू होंगे। हमारे देश में और हमारे प्रदेश राजस्थान में कोविड 19 की दूसरी लहर पिछले कई दिनों से बहुत तेज गति से फैल रही है और कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। इन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय लिया गया है राजस्थान के मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी के निर्देशानुसार कि राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों की समस्त प्रकार की परीक्षाएं आगामी आदेश तक स्थगित की जाती है। मैं सभी विद्यार्थियों से, अभिभावकों से और शिक्षकों से आह्वान करना चाहूंगा कि कोविड की इन परिस्थितियों में संक्रमण को रोकने के लिए सरकार के द्वारा जारी की गई एडवाइजरी का पालन करें और कोविड के फैलाव को रोकने के लिए सभी लोग सहयोग करें और समाज में जन चेतना का काम करें।